हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, चाय और कॉफी पीना हर किसी को पसंद होता है। कुछ लोग सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हैं, तो कुछ लोगों को काम के दौरान बीच बीच में ब्रेक के समय उसकी आदत हो जाती है। अगर देखा जाए तो काम की थकान और स्ट्रेस को दूर करने के लिए चाय और कॉफी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी चाय पीने की आदत पड़ गई है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बच्चों को चाय की आदत डालना सही है या फिर गलत? अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और उन्हें चाय और कॉफी पीने की आदत हो गई है, तो आपको इस बारे में जान लेना चाहिए कि उनके लिए इसका सेवन किस हद तक सही है। नंबर एक, बच्चों के लिए कैफीन सुरक्षित नहीं। दोस्तों, जब भी चाय या कॉफी के साइड इफेक्ट्स की बात आती है, तो कैफीन का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। दरअसल कैफीन बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी सुरक्षित नहीं होता है। बच्चों की सेहत काफी नाजुक होती है और ऐसे में कैफीन ज्यादातर बच्चों को नुकसान पहुँचाता है। नंबर दो, बच्चों के ब्रेन पर कैफीन का असर। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार बड़ों की तुलना में बच्चों का दिमाग कैफीन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। बच्चों को कॉफी या चाय पिलाना उनके दिमाग के लिए काफी नुकसानदायक होता है और साथ ही उन्हें रात के समय नींद संबंधी समस्याएं होने लगती हैं और साथ ही स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए आप बच्चों को चाय या कॉफी ना पिलाएं। नंबर तीन, बच्चों को जल्दी पड़ती है आदत। दोस्तों, ये भी आपने देखा होगा कि बच्चों को अक्सर कॉफी और चाय की आदत जल्दी पड़ जाती है। ऐसे में कई बार बच्चे रात को पढ़ते समय नींद से बचने के लिए चाय व कॉफी का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को सुबह उठते समय ही चाय पीने का मन भी करने लगता है। इसलिए आप अपने बच्चों को चाय और कॉफी से दूर रखें। नंबर चार, मीठे की आदत। दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों में शुगर होता है, जिसका अधिक सेवन बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी नुकसानदायक होता है। अगर आपके बच्चों को ज्यादा मीठे वाली चाय पीने की आदत हो गई है, तो धीरे धीरे उनकी आदत को छुड़ाने की कोशिश करें। हालांकि बच्चों को एकदम से चाय देना बंद ना करें, इसकी बजाय धीरे धीरे चाय की मात्रा में कमी करते चले जाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।